मॉल भी बंद पड़ा हुआ है। थोड़ा पीछे भी ध्यान रखता हूँ, कहीं ना पीछे से लठ मारने वाले आ रहे हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैं ऐसे ही निकला था बाहर, कोई मैं लॉकडाउन का कोई मैं इसकी उल्लंघना नहीं कर रहा हूँ कि मैं मार नहीं रहा हूँ, बस मैं ये देखने के लिए कि लोगों की, हाँ भाई हमारे खरड़ में कैसे चल रहा है, लोग यहाँ पे कितना ध्यान दे रहे हैं, पुलिसकर्मी कितने हैं। दो पुलिस वाले दिखे थे मुझे और एक अपना मास्क सेट कर रहे थे और एक कुर्सी में बैठे हुए थे, और ये चंडीगढ़ वाली साइड से आ रहे लोग। तो चलो आगे जाके मैं वीडियो बंद करता हूँ, फिर आगे जाके देखता हूँ कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगी के पास पहुँचने वाला हूँ मैं, तो बता दूँ आपको ब्लॉगी खरड़ कहाँ है। ये पंजाब में है, मोहाली सुना होगा आपने, चंडीगढ़ सुना होगा, उसके आसपास ही है। अगर यहाँ से आप लुधियाना अमृतसर जलंधर जाते हो तो उसी रोड में खरड़ पड़ता है, और मोहाली चंडीगढ़ नाम सुना ही होगा सबने। तो वहीं का मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, वहीं का आप दिखा रहा हूँ लॉकडाउन का इतना पालन किया जा रहा है, तो सब बंद है। कोई मेरी तरह घूम रहे होंगे लोग यहाँ पे, PVR मोहाली का नंबर है, सब बंद है। कम से कम 4 किलोमीटर आ गया हूँ, तो 4 किलोमीटर में एक बॉर्डर मल नहीं कहेंगे उसको हम, एक एयरपोर्ट रोड है जहाँ पे कि नाका वगैरह अच्छा लगता है, तो वहाँ तक तो मुझे कुछ दिखा नहीं था। तो बाकी आगे देखते हैं, ये ब्लॉन्गी पहुँचने वाले हम, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डंडे वाली नौबत पड़ सकती है या पूछा हो सकती है भी कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक हम जाएंगे ज़रूर, और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। भाई कोशिश पूरी रहेगी कि डंडे ना पड़े मेरे को, डंडे खाने वाले काम ना करें, क्योंकि देखो जी, अब मैं एज ए यूट्यूबर ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई बाहर आने का कोई ऐसा था नहीं कि मैं बाहर आ जाऊँ यहाँ पे। तो एज ए यूट्यूबर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी प्लीज़ कोई गलत ना बोले कि मैं उल्लंघना कर रहा हूँ, उल्लंघना नहीं कर रहा हूँ जी मैं, तो देख सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ से ये हो गया है, तो अभी देखते हैं ज़रा ये भाई मोटरसाइकिल वाला है, इसे पूछ लेता हूँ मैं। इनसे मैंने पूछा कि जा सकते हैं, कहते जाओगी जाओगी, तो जाके देखते हैं भाई क्या मजा है। फिलहाल मैं थोड़ा पीछे जाके कैमरा बंद कर दूंगा, पहले हाल चाल देखूंगा, क्योंकि मैं पीछे अभी लास्ट वीडियो मेरी आपने दिखी होगी तो मैं गया था, मगर मैं अब वापस आते हुए फंस गया था मैं, तो काफ़ी बीच में घूम घूम के मुझे आना पड़ा था। और यहाँ पुल का काम भी चल रहा है, जो कि बंद पड़ा हुआ है पूरा का पूरा इस कोरोना की वजह से। मे बी जून की पता नहीं जुलाई में इन्होंने पब्लिक को हैंड ओवर करना था, तो हुआ नहीं है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं पाएगा, बाकी आगे जाके देखते हैं। आगे तो मुझे कुछ लग नहीं रहा खतरा पतरा कोई, पुराने मियाँ जी वाले ने शटर डाउन किया भी। फिलहाल तो यहाँ पे रोड मेरे को खाली दिखा जा सकते हैं। तो कोरोना की वजह से यहाँ काम रुक गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, अपना ब्लॉन्गी क्रॉस कर लिया मैंने और वेरका चौक पे पहुँचने वाला हूँ, वेरका की तरफ से निकलने वाला हूँ। तो अभी किसी को मैंने कॉल करके पूछा था कि पुलिस वाला इसका कुछ चक्कर तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई आगे कुछ पता नहीं है, ढीला ढीला लग रहा है और टाइट टाइट भी काम लग रहा है। तो चलते हैं, तो देख लो अभी आप, चंडीगढ़ 9 किलोमीटर है, शिमला 119 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये है वेरका चौक, ये देखो वेरका का लोगो भी लगा हुआ है यहाँ, और ये वेरका की सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर। और ये अपना पंजाब का न्यू बस स्टैंड, ये वेरका का ETP प्लांट है, मे बी STP की या ETP प्लांट है। ये अपना वेरका